हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून, जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश एकेडमी एंड स्पोकन इंग्लिश। इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, और इसका पहला पॉइंट, पहला पार्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच का है वो नाउन। आज हम नाउन को डिस्कस करेंगे और इसके यूज को जानेंगे इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी स्टूडेंट्स, जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है क्या। सी नाउन, नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं, हिंदी में नाउन को संज्ञा कहा जाता है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। हिंदी में अगर देखा जाए तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और ये भी है कि क्या हमें नाउन को जानने की क्या जरूरत है, हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो हम सेंटेंसेस आप क्रिएट करेंगे उसमें सारे सेंटेंस में नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करता है एंड एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। इसलिए हमें नाउन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। हिंदी में अगर देखा जाए तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो बुक एक वस्तु है, अमित एक व्यक्ति का नाम है, मुंबई एक जगह का नाम है और वाराणसी भी एक प्लेस का नाम है। हम नाउन को, मैं आपको इतनी फोकस करके, ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे, हमें डाउट ना हो। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नाउन हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली नाउन ही होता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रोल इज परफॉर्म्ड बाय द नाउन, नाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल परफॉर्म करता है या काम करता है। यहाँ पे मैंने एक नोट आप डाल के रखा है आपके लिए, देखिए। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट मिस करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट मिस कर वाक्य को सब्जेक्ट करता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट करता और ऑब्जेक्ट जिसे कर्म कहते हैं का जो काम करता है वो संज्ञा या सर्वनाम ही करता है। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मीन्स किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, जो एक्शन करने वाली का पर्सनालिटी होगा वो नाउन ही होगा, और ऑब्जेक्ट के रोल भी नाउन ही प्ले करता है इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अब हम, मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की तो इसी यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा, ताकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो डाउट्स हैं वो क्लियर रहे। क्योंकि फॉर स्पोकन इंग्लिश दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े पता रहेगा तो आपको फॉर्मेशन में और आगे पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो हमें हर छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है ताकि इन नेक्स्ट चैप्टर, इन कमिंग चैप्टर वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सी सब्जेक्ट क्या होता है इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ आई विल टेल यू। जो वाक्य में काम करता है, मीन्स जब कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, जब कोई एक्स आप बनाते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति या काम करता है, जो एक्शन को करता है, वही सब्जेक्ट होता है। जो वाक्य में काम करता है वही करता होता है, मीन्स वही सब्जेक्ट होता है। मीन्स अगर देखा जाए इन इंग्लिश, वन हु डज द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हैं अभी, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट आप हैं, क्योंकि वीडियो देखने का काम कौन कर रहा है? यू आर डूइंग द वर्क ऑफ सीइंग द वीडियो, सो दैट्स व्हाई यू आर द सब्जेक्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, मदर कुक्स फूड। यहाँ पे खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मदर। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? मदर।
और मदर भी क्या है, नाउन ही है, मदर इज ऑल्सो नाउन। एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और फूड क्या है, फूड भी नाउन ही है। नाउन की कई कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें बस इतना जान लेना है कि नाउन है क्या, इसका रोल क्या है कम्युनिकेशन में, ये कैसे हमें हेल्प करता है, या हम इसे कैसे यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में, इन रिटन इंग्लिश ऑल्सो। सो आई होप दैट सब्जेक्ट इज क्लियर टू यू कि कौन सब्जेक्ट होता है इन सेंटेंस में। इन अ सेंटेंस द पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे आप मैच खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग मैच, हु इज सब्जेक्ट, यू इज द सब्जेक्ट। क्योंकि क्यों यू सब्जेक्ट है, क्यों यू को यहाँ पे सब्जेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट ही वो वर्ड है दैट डज एक्शन इन द सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स इन अ सेंटेंस जिसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश बुक एवरी डे। यहाँ पे का एक्शन कौन कर रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन है, सब्जेक्ट। एंड इंग्लिश बुक, वो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे इसका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश बुक, और इंग्लिश बुक भी नाउन है। यहाँ पे स्टूडेंट भी नाउन हो जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इंग्लिश बुक भी नाउन हो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई होप दैट आपकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट सी नाउन। नाउन नाउन इज फाउंड इन टू नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नाउन मीन्स संज्ञा जो है वो दो फॉर्म में, दो नंबर्स में पाई जाती है। एक जिसे सिंगुलर कहते हैं हिंदी में एक वचन, एक वचन का मतलब वन, एक सिंगल थिंग से है। और प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, जिसे हिंदी बोलते हैं, मतलब मोर देन वन। जब कोई भी नाउन किसी एक थिंग को रिप्रेजेंट करे तो वो सिंगुलर कहा जाएगा, जब कोई भी नाउन एक से अधिक थिंग को रिप्रेजेंट करे तो वो प्लूरल कहा जाएगा। जैसे मैं कहूँ बुक तो सिंगुलर नाउन, और बुक्स कहूँ तो प्लूरल नाउन। बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। तो दिस पॉइंट आल्सो शुड बी क्लियर टू यू, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू be clear about that कि कौन सा noun singular है, कौन सा plural, so that we can put proper form of the helping verb, ताकि हम सही form helping verb की सही form को उस subject के according set कर सकें। अगर हम singular और plural में ही confused रहेंगे तो हम sentence बनाते वक्त गलत helping verb को singular subject के साथ रख देंगे और हमारा sentence formation गलत हो जाएगा। अब हम कुछ example से देख लेते हैं। See, राम के पास एक कार है। मैं इस एग्जांपल से ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हर सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। राम के पास एक कार है, राम हैज अ कार। यहाँ पे राम कौन है, वो नाउन है, बट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कार क्या है, ये भी नाउन है, बट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुंबई एक बड़ा शहर है। मुंबई नाउन है, एक स्थान का नाम है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज अ बिग सिटी, सिटी ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है। थर्ड एग्जांपल देखिए, अमित मैच खेल रहा है। अमित एक व्यक्ति का नाम, एक लड़के का नाम है। अमित नाउन हुआ, अमित इज प्लेइंग क्रिकेट। अमित इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है का रोल प्ले कर रहा है, और क्रिकेट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, काव्य गाना गा रही है। काव्य एक बच्ची का नाम है, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो काव्य नाउन है जो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रही है। एंड सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, ये भी नाउन है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आपने देखा कि जो नाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस नाउन प्लेज रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होते हैं। सिंगुलर मीन्स सिंगल, जो एक को रिप्रेजेंट करे, प्लूरल मीन्स एक से अधिक को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चिंटू कपड़ा साफ
कर रहा है. दिस इज बाय मिस्टेक रिटन. चिंटू कपड़ा साफ कर रहा है. चिंटू इज वॉशिंग क्लॉथ. अब यहाँ पे चिंटू कौन है? चिंटू एक बॉय का नाम है और जहाँ पे वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और क्लॉथ यहाँ पे कपड़ा ये भी नाउन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई होप दैट आपको ये बात जो मैंने तीन पॉइंट्स बताने की कोशिश की आपको क्लियर हो गया कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन ही करते हैं, और नाउन सिंगुलर दो नंबर में पाया जाता है, सिंगुलर और प्लुरल नंबर. आई होप दिस मच और दिस दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू.